In how many ways four positive and five negative signs can be arranged in a circle so that no two plus signs are together? तो अगेन हमारे पास में कोई भी प्लस साइन साथ में नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पास कितने नेगेटिव साइन है? तो इस क्वेश्चन को ना एक्चुअली में हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे पास में फोर बॉयज हैं एंड फाइव गर्ल्स हैं, और हमें इन्हें इस तरीके से फोर बॉयज और फाइव गर्ल्स को रीअरेंज करना है कि कोई भी टू बॉयज कभी साथ में नहीं हो, है ना? तो कोई भी टू बॉयज कभी साथ में नहीं होंगे, तो मीन्स पहले हम सिक्स गर्ल्स को रीअरेंज कर देंगे। तो ये गर्ल वन, गर्ल टू, गर्ल थ्री, गर्ल फोर, गर्ल फाइव, ओके। तो हमारे पास में जो फाइव गर्ल्स थी उन्हें हमने रीअरेंज कर दिया। अब बॉयज कहाँ कहाँ आ सकते हैं? तो आइदर बॉयज यहाँ हो सकता है, यहाँ, 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 यहाँ। तो बॉयज के पास कितनी है हमारे पास प्लेसेस है? तो बॉयज के पास प्लेसेस है सिक्स, ओके। तो सिक्स में से हमें कोई से भी फोर प्लेसेस चूज कर लेंगे, तो सिक्स सी फोर, ओके। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब क्या करते हैं हम रीअरेंज करने के बाद में, मतलब चूज करने के बाद में, हम फोर बॉयज को रीअरेंज कर सकते हैं फोर फैक्टोरियल वेज में, और फाइव गर्ल्स को रीअरेंज कर सकते थे फाइव फैक्टोरियल वेज में। बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सारी गर्ल्स जो है वो डैश है, और जो सारे बॉयज हैं वो प्लस हैं। तो अगेन सब सेम है, तो सब सेम है तो हम उन्हें रीअरेंज कितने वेज में कर सकते हैं? ओनली वन वेज में, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सिक्स इंटू फाइव बाई टू विच इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशन कितने हो जाएंगे? इक्वल टू 15।